आयुर्वेद एडवांस स्किन एवं कॉस्मेटिक केयर क्लिनिक के डॉक्टर राजीव कुमार सिंह द्वारा चर्म रोग, कुष्ठ रोग, गुप्त एवं एलर्जी रोग के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया गया कि किस प्रकार से इन रोगों का समाधान एलोपैथिक पद्धति में संभव है। आइए जानते हैं कि डॉक्टर राजीव कुमार सिंह से एक खास मुलाकात में। डॉक्टर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर राजीव कुमार सिंह है। और ये आपका क्लिनिक कहाँ स्थित है? क्लिनिक कोर्ट रोड नियर कचहरी BSA ऑफिस के सामने मुरादाबाद स्थित है। आपके यहाँ स्किन से संबंधित, त्वचा रोग से संबंधित किन किन समस्याओं का सफलतापूर्वक निदान किया जाता है? हमारे यहाँ चर्म रोग, कुष्ठ रोग, एलर्जी, गुप्त रोग एवं सेक्स रोगों का सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है। इसके अलावा सुंदरता, चेहरे की सुंदरता को बढ़ाना, स्किन के संबंधित जितने भी रोग हैं, चेहरे को गोरा करना, लाइट करना और लेजर द्वारा वार्ट्स, स्कार और अनवांटेड फेशियल हेयर, इन सबको रिमूव करना, इन सबकी सुविधा है यहाँ पर। डॉक्टर साहब, इस समय एक समस्या थोड़ी सी अपने चल रही है और काफ़ी आपने भी देखा होगा समाज में चीज चल रही है कि पुरुषों के अंदर बच्चा पैदा करने की क्षमता कम होना, उनका जल्दी डिस्चार्ज हो जाना, उससे संबंधित अन्य समस्या भी होती हैं कि प्रॉपर उत्थान में ना आ पाना। ये समस्या ऐसी हैं जिसमें कि आजकल आयुर्वेद और बहुत से नीम हकीम आप कह सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि आदमी सोच जाता है और लेकिन वो भ्रमित होता है, सही इलाज नहीं मिल पाता। इस समस्या का सही निदान यहाँ अपने क्लिनिक में किस तरीके से आपके द्वारा किया जाए? देखो, ये जितनी भी आपने समस्या बताई सेक्स संबंधित या गुप्त रोग संबंधित, इनका हमारे यहाँ प्रॉपर तरीके से इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ बहकाने वाली चीज़ कोई नहीं है। जैसा कि लोग बार कहते हैं कि यूनानी में या आयुर्वेद में या और किसी पद्धति में ही इसका इलाज है, ऐसा नहीं है। एलोपैथी में भी इसका इलाज है, आज भी है, पहले से भी रहा है। अब लोगों में पहले से ही एक थोड़ी सी मिथ्या डेवलप हो गई है कि शायद आयुर्वेद या यूनानी में इसका इलाज ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन इसका इलाज एलोपैथी में भी हो रहा है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ हो रहा है। कोई ऐसा केस है डॉक्टर जो आपने किया हो आपको याद रखो? हाँ हाँ, ऐसे बहुत से केस हैं जो हमारे पास मेल इनफर्टिलिटी के कई केस आए हैं, क्योंकि जिनके स्पर्म जब जाँच कराने पर 10 या 0 थे, हमारे 2.5 महीने के इलाज से उनके स्पर्म 60 से ऊपर पहुंच गए और वो जो है उनकी वो कंसीव करने में उन्हें सफलता मिली। एक आदमी को स्पर्म है अगर तो कितने टाइम में वो ठीक हो जाता है? सेक्सुअल प्रॉब्लम डिपेंड इस पे करता है कि उसको कौन सी प्रॉब्लम है, कि एक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है या प्रीमैच्योर एजेकुलेशन मतलब शीघ्र पतन की समस्या है या स्वपन दोष की समस्या है। इन सब का अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट है। और सेक्स वाले ज़्यादातर जो समस्याएं होती हैं वो साइकोलॉजिकल ज़्यादा होती हैं, पैथोलॉजिकल या एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल कम होती हैं। तो इसलिए इनका ट्रीटमेंट प्रॉपर काउंसलिंग प्लस मेडिसिन दोनों के कंपाइंड इफेक्ट से कम जो है बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हम पेशेंट की काउंसलिंग भी करते हैं और ट्रीटमेंट भी करते हैं एलोपैथिक पद्धति द्वारा। डॉक्टर, जैसे चेहरे पे कुछ महिलाओं के या पुरुषों की समस्या आ जाती है या काली निशान से उन्हें झाइयाँ होने लगती हैं, इससे उनके फेस की एक साथ बदल जाता है, मतलब खूबसूरती कम हो जाती है, उस स्थिति में आप किस माध्यम से उसका निदान करते हैं? अब चेहरे पे सबसे पहले जो होता है बहुत कॉमन बीमारी है झाइयाँ, जिसे हम इंग्लिश में मेलाज्मा कहते हैं। ये इसके जो है कई सारे कारण होते हैं। सबसे पहला तो कारण है सन एक्सपोज़र, मतलब एक्सेस सन एक्सपोज़र, धूप का ज़्यादा चेहरे पे लगना। और दूसरा मोस्ट कॉमन कॉज है इसका
एंटीऑक्सीडेंट की कमी, तीसरा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी स्पेशली कैल्शियम एंड आयरन, और चौथा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी महिलाओं में झाइयाँ बढ़ जाती हैं। इसके अलावा कोई क्रोनिक इलनेस चल रही है बहुत दिनों से, या स्टीरोइड खा रहा है पेशेंट, तो उसको भी ये होने के चांसेस रहते हैं। तो अब इसके इलाज के लिए सबसे पहले जो पहला कॉज है सन एक्सपोजर कम करना है। उसके लिए आपको सनस्क्रीन जेल या क्रीम लोशन जो है प्रेस्क्राइब किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू स्किन, मतलब स्किन के अनुसार जितनी जिसकी ज़रूरत है 30 SPF का या 50 SPF का, वो स्किन के हिसाब से प्रेस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा स्किन लाइटनिंग क्रीम आती हैं और उनका यूज करते हैं, एंटी मिलेनिन एजेंट का यूज करते हैं क्रीम का, और एंटीऑक्सीडेंट खिलवाते हैं इस तरीके से, और इनके जो है धूप से बचाव करके डाइट में अपना न्यूट्रिशन बढ़ा के इसका सफलतापूर्वक इलाज हो जाता है। सभी समाज में भारतीय है जैसे निकोरिया है, सफ़ेद ब्रदर है, सफ़ेद पानी आना, सिफिलिस है, ये बीमारियाँ ऐसी मारी जाती हैं कि मरीज ये सोचता है कि ये हमको लग गई हैं तो इनका इलाज नहीं हो पाएगा, या ये लाइलाज हो चुकी हैं, इससे भ्रमित होकर वो नीम हकीमों के पास जाता है, अंधापन पैसे भी जाते हैं। क्या इसका इलाज एलोपैथी में संभव है और कहाँ तक आप पूर्णतः इसको समस्या का निदान कर लिया? देखो लिकोरिया या वाइट डिस्चार्ज या वेजाइनल डिस्चार्ज, ये इसका इलाज संभव एलोपैथी में ही है, और किसी पैथी में इतना पूर्ण तरीके से सही है या नहीं है इसके बारे में अभी कुछ ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन हम अपनी एलोपैथी के बारे में बता सकते हैं कि एलोपैथी में कंप्लीट इलाज है लिकोरिया, क्योंकि लिकोरिया एक ऐसी बीमारी है जो फंगस बैक्टीरिया और इनके इन्फेक्शन से की वजह से जो डिस्चार्ज आता है उसको लिकोरिया कहते हैं। तो ये इसमें एंटी फंगस एंटी बैक्टीरियल एंटी पैरासिटिक मेडिसिन चलाई जाती हैं और ये 15 दिन में या 7 दिन में बिल्कुल ठीक है।